ग्रीन सॉइल में जो हमने अभी आज का टॉपिक रखा है वो है नींबू का। तो ये जो मेरे पास नींबू है ये बारहमासी है और कागजी नींबू है। इसमें से अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा प्लांट ज़्यादा बड़ा नहीं है अभी, क्योंकि हाल फिलहाल मैं इसे 3-4 महीने पहले ख़रीदा है, तो मैं नहीं चाहता, देखिए इसकी स्टेम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं नहीं चाहता मेरे प्लांट को कोई इफेक्ट पड़े, क्योंकि अभी मेरे पास कोई पॉट नहीं था, तो मैंने फ़िलहाल इसको 12 इंच के पॉट में ही लगा रखा है। तो 12 इंच के पॉट में भी देखिए कितने नींबू उसमें आ रहे हैं अभी भी, और मैंने इसमें से काफ़ी सारे हार्वेस्ट भी कर लिए हैं। पर मैं अब क्या कर रहा हूँ, अब नींबू इसमें जल्दी तोड़ दे रहा हूँ, जो आ गए आ गए, बाकी जो छोटे छोटे नींबू हैं मैं सारे के सारे जल्दी तोड़ दे रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे प्लांट की ग्रोथ पे कोई फ़र्क पड़े, क्योंकि मैं इन प्लांट को अगले साल के लिए तैयार कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं कच्चा लालच करूँ कि थोड़े से फ्रूट के चक्कर में अपने प्लांट को जान से मार दूँ, क्योंकि विंटर आने वाली है, और ये अगर ये डोरमेंसी में गया उस वक्त इसने सारी जान अपनी फ्रूट बनाने में लगा दी, तो बस बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मेरे पास एक और है नारंगी का प्लांट, तो नारंगी आप सोचिए छोटा सा प्लांट है मेरा नारंगी का, और उसमें नारंगी पे कम से कम 20-25 नारंगी आ रखी थी, तो मैंने उसमें से सारी तोड़ दी हैं, सिर्फ 2-3 छोड़ दिए हैं, बाकी मैंने सब उसमें परसों तोड़ दिए हैं। तो बात की जाए नींबू के पॉट की साइज की, तो मैं इसके पॉट की साइज की सिर्फ सलाह दूंगा आपको, मैं कहूंगा कि इस कम से कम 20 इंच का पॉट होना चाहिए। तो अभी फिलहाल मैंने इसे 12 इंच के पॉट में रखा है, पर अगली फरवरी में मैं इसको कम से कम 14 इंच के पॉट में से शिफ्ट कर दूंगा। 14 इंच का पॉट ना तो कम से कम पेंट की बाल्टी में तो शिफ्ट करूंगा इसमें से, ताकि मेरे को अच्छी फ्रूटिंग इसमें से मिलती रहे। मैंने जो सिट्रस प्लांट होते हैं इसमें एक चीज़ नोटिस करी है, इसमें है ना कैटरपिलर का बहुत अटैक होता है, मतलब जो तितली होती है वो अपने बच्चे वगैरह बहुत देती हैं इन पर अंडे वगैरह ना, तो उसे इफेक्ट मैंने बहुत देखा। दूसरा मैंने देखा इसकी रूट बहुत तेज़ी से गलती हैं। तो नींबू के जो प्लांट होते हैं ना, मतलब मेरे पास जितने भी सिट्रस प्लांट हैं मैं उनके वाटरिंग का बड़ा ध्यान रखता हूँ, क्योंकि शुरू में जब मैं 2-3 प्लांट लेके आया ना, मैं नॉर्मल उनमें जैसे और प्लांट में वाटरिंग करता था, इसी उनमें भी करता था, उनकी रूट गल गई। फिर मैंने रियलाइज़ करा, थोड़ा पढ़ा भी इसके बारे में, कि इनको थोड़ा पानी कम चाहिए होता है, औरों के कंपैरिजन कम चाहिए होता है। तो अब तो मैं क्या करता हूँ, इनको देख के पानी देता हूँ, अगर ज़रूरत है तो ही देता हूँ, नहीं तो नहीं। अगर मैं पाइप से भी पानी दे रहा हूँ ना, तो इनकी तरफ पाइप ना करके आसपास वालों को देके निकल जाता हूँ साइड में, औरों को देता हूँ, पर इसको नहीं देता मैं। अभी जैसे इसकी मिट्टी गीली है तो मैं आज ही से पानी नहीं दूंगा, मैं सब कल पानी दूंगा, ताकि थोड़ा हार्ड ही सा रहे। तो अब इसके बाद फ्रूट की किया जाता है, इसका फ्रूट का जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छा भी और बड़ा होगा ये। मैंने एक बार इसका फ्रूट का साइज़ चेक करने के लिए क्या किया, बिल्कुल छोड़ दिया इस पर, कि मतलब देखते हैं इसका साइज़ कितना बनता है। तो ये थोड़ा सा और बड़ा होने के बाद फट गया था, इतना बड़ा होने के बाद ये फट गया था, तभी मैं समझ गया कि बस वही इसका साइज़ है। अभी आप समझ सकते हैं, देखिए वजन की वजह से लटकी पड़ी है पूरी की पूरी टहनी, क्योंकि एक छोटी सी टहनी पर ही 3 है, और फ्लावरिंग आ रही है, तो ये फ्लावरिंग मैं सब कटिंग कर दूंगा मैं। अब और कोई फ्रूट नहीं चाहता मेरे इस प्लांट पर ना, मैं इसे अगले साल के लिए तैयार करूँगा। तो जितने फ्रूट आ रहे हैं बस इसी ये फ्रूट में लूँगा। बात की जाए इसकी खाद की, तो खाद में मैंने इसमें नॉर्मल, अभी तो जब मैंने इसको रिपोर्ट किया था उसी टाइम पे मैंने इसे बहुत सारा कंपोस्ट डाल दिया था, उसके बाद मैंने अभी तक इसमें कुछ नहीं डाला है कुछ भी। और फ्लावरिंग और इस पर लीफ भी ज़्यादा नहीं थी, जब मैं इस प्लांट को लेके आया था ना तब ये ज़्यादा लीफ नहीं थी, फिर नीचे से काफ़ी सारी टहनियाँ निकली, जैसे ये वाली टहनी निकली, ये वाली टहनी निकली है, ये वाली, ये सब नई टहनियाँ इसकी नीचे से बाद में निकली हैं, पहले सिर्फ ये कि ये और ये वाली स्टेम थी। तो अभी फिलहाल ये जहाँ जा रहा है मैं इसे जाने दे रहा हूँ, मैं इसकी कोई शेप भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने देखा कि नए नए प्लांट को लाने के बाद जब ट्रिम करते हैं ना तो बड़ा शॉकिंग सा हो जाता है, एकदम रिजल्ट लगता है कि जैसे मर गए। तो मैं इसके साथ कुछ नहीं छिड़कानी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि विंटर आ गई, अब तो मैं जो भी कुछ काम करूँगा फरवरी में ही करूँगा, उससे पहले मैं कुछ नहीं करने वाला, ना ट्रिमिंग ना कुछ। जहाँ जा रहे हैं जिस शेप में जा रहे हैं, देखिए जैसे ये मेरे प्राइड ऑफ इंडिया का प्लांट है, इसकी धीरे धीरे लीफ झड़ने शुरू हो चुकी है, मोस्टली झड़ी गई है, मेरा वाइट भी और पिंक भी है, पिंक वाला है। और यहाँ पर एक प्लांट है, मैंने इसको रिपोर्ट किया था, मोंगरे का प्लांट है मेरा, ये मर चुका है लगभग, हाँ ये लगभग मर ही चुका है। ये मेरे पास एक सामने मोंगरे का प्लांट है, तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं, अभी ये तो मर ही चुका है बिल्कुल। इसका चेक करते हैं, चेक करने का एक तरीका होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आप सिर्फ यहाँ अंगूठा रखिए और इसको देखिए, अंदर से ग्रीन है ना, इसका मतलब ये प्लांट जिंदा है, इसको मत छोड़िए, मतलब छेड़िए। ये तो मैंने देखा प्राइड ऑफ इंडिया के साथ ये नॉर्मल है, हर विंटर में ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे बिल्कुल एक जान ही नहीं है, इसे उठा के फेंक दो। पर जैसे ही फरवरी स्टार्ट होगी इतना ग्रीन हो जाता है, इतना सुंदर हो जाता है प्लांट बहुत ज़्यादा। तो ये प्लांट मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि शुरुआती जब मैंने गार्डनिंग शुरू की थी तब से मेरे साथ है। तो फिलहाल चलिए फिर से अभी लेमन पे आ जाते हैं। तो लेमन के लिए आप एक काम कीजिएगा, मैं तो क्या करता हूँ इसमें विटामिन सी की गोलियाँ जो होती है ना, क्योंकि इसको जाहिर सी बात है कि सिट्रस बनाना है अपने लिए, तो सिट्रस का एक प्रोसेस होता है, तो इसको बाहर से भी सिट्रस ही चाहिए होगा। तो मैं तो क्या करता हूँ विटामिन सी की गोलियाँ इसमें डालता रहता हूँ, उसकी वजह से क्या है मैंने देखा फ्रूटिंग पे काफ़ी असर पड़ा है। काफ़ी लोग इसमें सुहागा भी डालते हैं, काफ़ी लोग इसमें नमक का स्प्रे भी करते हैं, पर मैंने अभी फिलहाल ना तो सुहागा ट्राई किया ना मैंने इस पर कभी नमक का स्प्रे किया।
विटामिन सी भी मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि पर्टिकुलर कोई तरीका है, बस मुझे ऐसा लगता है कि मान लीजिए किसी को मैथ्स में अच्छे नंबर ना लाने हैं तो उसे मैथ ही पढ़नी होगी ना, जाहिर सी बात है। तो ऐसे ही जब इसे सिट्रस बनाना है तो इसमें सिट्रस की ही ज़रूरत होगी, तो मैं क्या करता हूँ जाहिर सी बात है नींबू बनाने, तो विटामिन सी की गोलियाँ नॉर्मल मिल जाती हैं कहीं ना कहीं, या फिर जो एक्सपायरी मेडिसिन होती है मेरी वो मैं प्लांट में डाल देता हूँ। ये भी मुझे एक यूट्यूबर से ही पता चला था कि आपकी जो भी मेडिसिन होती है जैसे मल्टी विटामिन वगैरह अगर एक्सपायरी हो गई तो आप प्लांट में डाल दो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। तो मैंने डाल दी थी एक बार उसके कहने पे, पर वाकई में उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला। एक्सपायरी मतलब हमारे लिए तो नुकसानदेह है पर प्लांट के लिए तो कुछ नहीं, प्लांट के लिए तो मिनरल ही है।